जेपी गठबंधन में लेके आई थी वो खारिज कर दिया। ये आज का जो हाईकोर्ट का फैसला जिसने ये 75% हरियाणा के मूलवासी नौजवानों को प्राइवेट सेक्टर के अंदर रिजर्वेशन देने का प्रावधान किया था उसको खारिज करने का काम किया हाईकोर्ट ने, यानी कि या तो वो कानून मन से नहीं बनाया गया था केवल दिखावा था, या उसकी पैरवी नहीं करी गई हरियाणा सरकार द्वारा। ये आज स्पष्ट हो चुका है कि बीजेपी जेजेपी सरकार जिसका गठन जिसका समझौता दो बातों पे हुआ था, 5100 बुढ़ापा पेंशन और ये 75% रिजर्वेशन हरियाणा नौजवानों को, ना तो 4.5 साल में 5100 पेंशन आई और ना ही ये 75% का कानून आया। ये समझौता ना तो पेंशन पे था ना रिजर्वेशन पे था, ये समझौता भ्रष्टाचार के कमीशन पे था। केवल भ्रष्टाचार के आधार पे समझौता हुआ था। हम पहले दिन से कह रहे थे दुष्यंत चौटाला ने समझौता जो किया जेजेपी ने अपनी भ्रष्टाचार की फाइलें बंद कराने के लिए, महकमे आपस में बांट कर हरियाणा प्रदेश को लूटने के लिए। हरियाणा प्रदेश की बीजेपी जेजेपी सरकार कभी शराब घोटाला आ रहा है, कभी धान घोटाला आ रहा है, कभी खनन घोटाला आ रहा है, प्रदेश के कोने कोने में भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है, कई कॉरपोरेशन का और नगर परिषदों के घोटाले आ रहे हैं और भ्रष्टाचार की पर्यायवाची सरकार बन चुकी है। और आज स्पष्ट हो गया 4.5 साल के बाद कि दोनों जिस आधार पर गठबंधन हुआ वो दोनों खोखले निकले। क्या सरकार ठीक से पैरवी नहीं कर पाई इस मामले में?